किस तरीके से अतिक्रमण इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है, अतिक्रमण और शहर का जाम। उसके लिए शहर का जाम और अतिक्रमण हटाने के सबसे पहले हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, और उसमें आज हमने बहुत आसान तरीके से व्यापारियों को समझाया है कि अपना जो सामान है आप वो जो है नाले की पटरी के भीतर ले जाए, ताकि जो उस पटरी का प्रयोग है वो पब्लिक के खड़े होने के लिए हो सके, ताकि उस रोड पे अनावश्यक कोई जाम ना लग सके। आज हमने लेन देन बंदी पे ये कार्रवाई की है, और हमारा कोई किसी का गतिरोध व्यापारी से नहीं हुआ है। हम व्यापारी से आराम से उनसे बता रहे हैं कि शासन की मंशा के अनुरूप और शहर की जनता को निजात दिलाने के लिए ये कार्य होना जरूरी है। प्रथम चरण में हमने आज हटवाया है, इसके बाद लगातार इसकी नगर पालिका के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्हें 2-3 बार का हम मौका देंगे, यदि 2-3 के बाद उनके मौके में उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उनके खिलाफ जो है चालान से कार्रवाई की जाएगी और बकायदा विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने रुपये चालान काटेंगे? चालान की राशि अलग अलग होती है, दुकानदार वाइज डिपेंड करती है। बड़े व्यापारियों पर हम जुर्माना 10,000 तक कर सकते हैं, छोटे व्यापारी पर हम 500 कर सकते हैं। किंतु जुर्माने की इस बार हमने ये उन्हें सख्त आदेश दिया है कि हम किसी व्यापारी के साथ किसी पक्षपात नहीं करेंगे। अपराध अपराध होता है, उसमें कार्रवाई एक ही प्रकार की जाएगी। इसके अलावा हम शहर की पार्किंग व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम पार्किंग स्टैंड ढूंढ रहे हैं, जो शहर के फल वाले ठेले हैं उनको खड़ा करने के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं, ताकि किस तरीके से जो है एक साथ इस मैनपुरी शहर को अतिक्रमण और जाम से निजात मिल सके।